हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करवा ओटीटी एग्जाम 2024 कि इंपोर्टेंट ओडिया पेडागोजी। ये होची ओडिया पेडागोजी मॉक टेस्ट नंबर 2। एथरे हम डिस्कशन करबा टोटल 45 क्वेश्चन। आपन चाहिले आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाति भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी आपन ओटीटी ओएसटीटी सीटेट एंड एसएसटी सेवक सेविका इंपोर्टेंट रहिबो। एसएसटी सेवक सेविका सीटेट ओएसटीटी एंड ओटीटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो स्टार्ट करिबा प्रथम क्वेश्चन सहित। आपने आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाईबे। प्रथम क्वेश्चन रहिछि आप माने पई उच्च प्राथमिक स्तर रे भाषा रो केउ दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाय। उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी लेवल कहिछि, तो श्रवण कथन पठन ना पठन और लिखन। देखु उच्च प्राथमिक स्तर रे भाषार पठन और लिखन ए दुटा दिग उपर अधिक गुरुत्व देवे। ए दुटा स्किल अधिक गुरुत्व दि जाए। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही नीरव पठन भाषा ज्ञान वृद्धि काहीकि आवश्यक। यह अन्य कार्य को बाधा दिए, कम समय मध्य अर्थबोध होता है, यह शुद्ध उच्चारण कर साय हाथ मांसपेशी को नियंत्रण कर। तो देखु नीरव पठन भाषा ज्ञान वृद्धि नीरव पठन भाषा ज्ञान वृद्धि काहीकि आवश्यक। तो देखु नीरव पठन भाषा ज्ञान भाषा ज्ञान वृद्धि आवश्यक काहीकि ना यहाँ कम समय मध्य अर्थबोध होता है। कौन हम ना कम समय मध्य अर्थबोध होता है। ऑप्शन नंबर बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मूल्यायन उद्देश्य नुहे। मूल्यायन उद्देश्य कौटा नुहे। चार ऑप्शन देती वर्ष शेष परीक्षा माध्यम पिला केते नंबर रखा जानवापी ना वर्ष रे थरे परीक्षा करी प्रथम द्वितीय तृतीय भाव पिला रैंकिंग करने ना पिला केते जानला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह करी ताकु विश्लेषण करने ना प्राथमिक ना परीक्षा माध्यम पिला मन में पातर अंतर सृष्टि करने। तो देखु मूल्यायन उद्देश्य पिला पातर अंतर करवा नुह, समस्त सामान दृष्टि देखिए आउ रैंकिंग नुह कि नंबर केते पिला नंबर रखे से नुह। मेन हूँ पिला केते जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह कर विश्लेषण करवा। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। मूल्यायन उद्देश्य हूँ कौन, मूल्यायन उद्देश्य हूँ आप पाटा केते कौन जापर तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह कर विश्लेषण करवा। ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम जीवा ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्यापक पठन लक्ष्य कौन। व्यापक पठन जहाँ इंग्लीश कहुए एक्सटेनसीव रिडिंग, एक्सटेनसीव रिडिंग एम कौन से पचार। व्यापक पठन लक्ष्य कौन पचार। नूतन क्लिष्ट शब्द परिचित परिचिति भाषागत कौशल हासिल आनंद प्राप्ति व्याकरण ज्ञान अभिवृद्धि। व्यापक पठन लक्ष्य हूँ आनंद प्राप्ति। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर आनंद प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ठीक बनान शब्द चारिपटे गोल बुलाइवा को कहुआ प्रश्नटी क्यों प्रकार। ये क्वेश्चन टा आमर तीन थर रिपीट होनी थर रिपीट हो ओटीटी 2012 नहीं 2022 भितर। तो बहुत किसी क्वेश्चन आम रिपीट ओटीटी रे। तो देखुची देखु से कही ठीक बनान शब्द या चारिपटे गोल बुलाइवा को प्रकार प्रश्न बोली कह वर्गीकरण वर्गीकरण ना क्षुद्रतमूलक ना उत्तर मननायक ना दृष्टांतमूलक। तो आप मैंने वर्तमान ओटीटी एग्जाम देवे, ओटीटी एग्जाम आप जो आंसरटा ठीक होता आप मुंडला बुलू मुंडला तो अलरेडी थी आप कौन कल पूरा ये कर। तो ये कौन कहुए यहाँ कौन ना तुम उत्तरटा यहाँ चयन कर उत्तर चयनमूलक उत्तर मननयनमूलक हम ठीक बनान शब्द चारिपटे गोल गोल बुला बुलाइवा को कहुआ प्रश्नटी कौ प्रकार ना उत्तर मननयक मननयनमूलक उत्तर चयनमूलक। ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी दृश्य श्राव्य उपकरण ग्रामफोन प्राचीरपत्र दूरदर्शन कार्यक्रम बेतार संप्रसारण कार्यक्रम। तो कौन हम तो देखो दृश्य श्राव्य उपकरण रोटे उदाहरण से पचार क्वेश्चन आप इंग्लीश डिस्कसन करते आम ओडिया आसी
आमर इंग्लीश पेड़ागोजी नॉर्मल पेड़ागोजी मत क्वेश्चन आसीला दृश्य श्राव्य उपकरण मान जो थे देखी पारिबा एवं सुनी पारिबा ग्राम फोन आउ प्राचीर पत्र तो कौन हम आमर आ बेतार संप्रसारण आ दूरदर्शन तो कौन आम देखिपर दूरदर्शन मैंने कौन टी टेलीविजन टेलीविजन आम देखिपर और शुणीपर तो ऑप्शन नंबर सी हम आम सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी होमर सठिक उत्तर दूरदर्शन जहाँ आम टेलीविजन कौन टी देखिपर और शुणीपर तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर दूरदर्शन कार्यक्रम नेक्स्ट क्वेश्चन रही क स्तंभ ख स्तंभ रे दिया जाइथिबा शब्द मध्ये संपर्क स्थापन करबा को कुहा जाइथिबा प्रश्न केउ प्रकारर प्रश्न ए क्वेश्चन म आपन को प्रथम मॉक टेस्ट रे कहिथिली किंतु एटा मध्ये आसी काहे कि ना सेटा हमरो पढ़ना सेटा गोटे एग्जाम पचारथिले एटा गोटे एग्जाम पचारथिले आपन जानंतु जे आपन क्वेश्चन केते थोर रिपीट होछि ए क्वेश्चन हमर 3-4 थोर रिपीट होछि क्वेश्चन 3-4 थोर रिपीट होछि ओटीटी रे काहे कि ओटीटी रे माइनस मार्किंग नै ना से क्वेश्चन पुरना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को से रिपीट करूछि तो क स्तंभ ख स्तंभ में दिया जाता शब्द मध्य संपर्क स्थापन करने को कहुता प्रश्न हूँ कौन ना मेलक प्रश्न से कौन ऑप्शन थी आपण मैं से ऑप्शन टाइम मेकल करदे मानने से जो मेलक को मेकल मान तार जो प्रिंटिंग कलाड़ लिखला मिस्टेक करदे मेकल मेलक लिखा कथा से मेकल कर तो ये क्वेश्चन टे बराबर से प्रिंट कर तो आप जापारे क स्तंभ खस्तम मैचिंग मैंने कौन मेलक मैंने मिलूं आम क स्तंभ खस्तम मिलूं तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर मेलक प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन रही भाषा शिक्षा क्षेत्र में क्यों दक्षतार विकास अपेक्षाकृत जटिल आम भाषा शिक्षा क्षेत्र में कौ दक्षता विकास करवाटा डेवलप होगा अपेक्षाकृत जटिल मानने आम चारा अच्छी आम LSRW रही लिसनिंग स्पीकिंग रिडिंग रईटिंग तो सब जटिल कौटा सब जटिल होती लेखाटा लिखनटा सब जटिल ये चारिटा स्किल भितर जटिल कौटा ना लिखन ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलार क्यों दक्षतार विकास शिक्षक शिक्षयत्री साहर आवश्यकता न थाए स्वशिक्षण दक्षता लिखन दक्षता भाषा व्यवहार दक्षता व्यावहारिक व्याकरण दक्षता एक्चुअली टी आप्लिकेसन टे प्रोब्लम रोच से जो आम प्रोब्लम हो तो पिलार क्यों दक्षता रो विकास शिक्षक शिक्षयत्री आवश्यकता पड़ न थाए तो सीटा कौन स्वशिक्षण स्वशिक्षण दक्षता तो आम ऑप्शन नंबर कौन हम ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर स्वशिक्षण दक्षता ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर स्वशिक्षण दक्षता पिला निजे निजे शिखिकी शिखुचे तो शिक्षक आवश्यकता न थाए नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्याकरण शिक्षा शिक्षार्थी उपादेय कहीं से पचार व्याकरण शिक्षाटा शिक्षार्थी मान कहीं उपादेय अटे से पचारे सौंदर्यबोधर विकास घटाए ना मानविक गुणावली सहित परिचय कराए ना सृजनशील सृजन शक्तिर विकास साधन करे ना मनर भावना को शुद्ध रूप प्रकाश करें साय कै तो देखो व्याकरण शिक्षा शिक्षार्थी उपादेय कहीं यह मनर भाव को कौन कर मनर भाव को शुद्ध रूपे प्रकाश करिवारे साहाज्य करे ऑप्शन नंबर डी होची आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी पिलार भाषा शिक्षण प्रथम उच्च नुहे भाषा शिक्षण प्रथम उच्च कौटा नुहे परिवार पड़ोसी विद्यालय परिवेश तो देखु भाषा शिक्षण प्रथम उच्च होची परिवार परिवार से रोची बापा माँ भाई भौनी जहाँ कौच शिखुची भाषाटा तापर दिन आम अड़स पड़ोस आमर घर पड़सा घर पड़सा सांग पड़सा घर लोक सहित लोकों देखिकी से शिखुचे तापर देन परेश मैंने साही साही मैंने गोटे एरिया धरी परेश शिखुची देन से पांच वर्ष है स्कूल को जाऊँ विद्यालय को जाऊँ तो विद्यालय लास्ट हो जाऊँ तो कौटा प्रथम उच्च नुहे तो विद्यालय हो कहीं विद्यालय लास्ट हो जाए पांच वर्ष से तो भाषा शिखी था तो कौटा प्रथम उच्च नुहे विद्यालय हूँ भाषा शिक्षापी पिलार प्रथम उच्च नुहे ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों प्रकार लिखन में पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करेंगे सर्वाधिक सुजोग थाए कौ प्रकार लिखन में पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करने सर्वाधिक सुजोग मिलता है कौ प्रकार लिखन में मुक्त ना श्रुत ना सृजनात्मक ना दृष्ट तो करेक्ट आंसर जो मुक्त लिखन में पिलार स्वाधीन चिंता शक्ति प्रकाश करें सर्वाधिक सुजोग थाए ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर मुक्त लिखन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे सृजनात्मक लिखन कौट अंतर्भुक्त नुहे चार ऑप्शन देखिए चित्र देखी गप लिखा गोटे नामकरण को नहीं कविता लिखा
केतोटी असंपर्कित शब्द को नहीं अनुच्छेद लेखिबा मुखस्थ करथिया कविता टिए लेखिबा। तो देखंतु सृजनात्मक लेखन माने क्रिएटिव राइटिंग रो अंतर्भुक्त कोटा आसुनी से पचारी छि। तो देखंतु चित्र देखि गप लेखि माने देखिबा एटा तमर चित्र देखि गप लेखि जत निज माइंड खर्च करछन एटा त हमर सृजनात्मक लेखन रे आसीबो। गोटे नाम को नै कि हम गोटे कविता लेखिबा तो एथि मते निज मुंड खटेबे खाली गोटे नाड नै कि हम गोटे कविता लेखुछन्ती आ केतरा असंपर्कित शब्द को नै अनुच्छेद लेखिबा एथि मते हमें मुंड खर्च करछन्ती तो एटा हमर माइंड खर्च करछन एटा हमर सृजनात्मक लेखन रे आसुछि। किंतु मुखस्थ करथिया कविता टी लेखिबा गोटे कविता टी गोटे गीत टी हमें घोषी देथिबा सेटा को लेखि घोषी देथिबा सेटा लेखिबा सेटा मुंड किछ खर्च करन जहाँ जणे किए लिखी से जस्ट घोषिले आउट कह लिखिले से आम मुंड किसी खर्च करना ना। तो जो निज माइंड खर्च करूना से आम क्रिएटिविटी आसब निजे जी क्रिए मुंड खर्च कर निजे किसी सृष्टि करेटिव रईटिंग सृजनात्मक लेखन। तो मुखस्थ करविता लिखा यहाँ सृजनात्मक लेखन अंतर्भुक्त नुहे। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। शिक्षा वर्ष शेष जो मूल्यायन कराए कौन कह जाए शिक्षा वर्ष शेष पोर्टफोलियो मूल्यायन सामग्रिक मूल्यायन समन्वय दक्षता ना प्रवीणता परीक्षण। शिक्षा वर्ष शेष जो मूल्यायन कराए कौन कह जाए ना सामग्रिक मूल्यायन बोली कह जाए समेटिव आमर जो रही सामग्रिक मूल्यायन समेटिव इवालुएसन। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर सामग्रिक मूल्यायन कह जाए वर्ष शेष जो आम एग्जाम कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मूल्यायन उद्देश्य कौन परीक्षा करी समय नष्ट करीबा परीक्षा करी पिलांगो डरेबा परीक्षार्थी शुल्क आदाय करीबा ना शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता आग्रह अभिज्ञता और दुर्बलता जानिबा। मूल्यायन उद्देश्य होची जे मूल्यायन करिया द्वारा पिलाटार कौन से चाहूची से कौन आउ चाहूची से शिक्षा पई सेटा जानि परिबे पिलार आग्रह कोथि कोथि पिलार इंटरेस्ट अछि मूल्यायन कला परे जानि परिबे जे पिलाटार मैथ रे भलो मार्क रहउछि 100 रु से 80 आनछि त तार मैथ रे इंटरेस्ट अछि तो मैथ ता पर आउ टिके पिलान पिला को आउ टिके अधिक ताकु गुरुत्व देले से आउ भलो मार्क रखिबो आउ तार कोन अभिज्ञता रहिला से कोन कोन अभिज्ञता हासिल करछि सेटा मते जानि परे पिला पिलाटा केते कोन अचीवमेंट करि परछि हमरो लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सेटा मते जानि परिबे। ता सहित तार कोड दुर्बलता माने कोड तार कमी रहछि कोड से बुझि पारुनी पिलाटा इंग्लीश रे 100 रु 20 आनला काहि से बुझि पालन तो तापर टीचर कोन करबे ना से इंग्लीश रे केमति भलो इंप्रूवमेंट करिवो तार लर्निंग रे ता पई टिके फोकस करि ताको कोन करबे ना रेमेडियल टीचिंग देबे बा प्रतीक त्मक शिक्षण ताको देले सेटा तारो गैप जो कमी रोचे दुर्बलता से दूर करें। तो ये यहीटा हमारा ऑप्शन मूल्यायन उद्देश्य हो सब गुड़ाक ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्याकरण पढ़ाई निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु केउटी सर्वोत्तम एटा आपन को क्लियरली विजुअल हो नथबो मु आपन को कहि देउछि जे व्याकरण पढ़ाई क्यों निम्नलिखित प्रणाली मानक मध्यरु कोउटा सबुठारु उत्तम बा सर्वोत्तम बोली से पचारिछि चारिटा ऑप्शन देछि बहीधरी सूत्र गुडी को बुझाइबा सूत्र को प्रथम मुखस्थ करिबा पई पिला को कहिबा उदाहरण और विश्लेषण माध्यम सूत्र रे उपनीत हेबा ना प्रथम सूत्र को मुखस्थ करिबा परे विविध उदाहरण दे बुझाइबा। तो देखंतु व्याकरण पढ़ाइबा पई निम्नलिखित मध्यरु सर्वोत्तम प्रणाली होछि उदाहरण और विश्लेषण माध्यम सूत्र रे उपनीत होगा ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। व्याकरण पढ़ाई सर्वोत्तम प्रणाली हूँ उदाहरण और विश्लेषण माध्यम सूत्र रे उपनीत होगा ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी निरंतर मूल्यायन सह संपर्कित निरंतर मूल्यायन सहित कौटा संपर्कित वार्षिक परीक्षा कृति परीक्षा प्रवीणता परीक्षा ना धारावाहिक परीक्षा निरंतर मूल्यायन आमर हूँ धारावाहिक परीक्षा सह संपर्कित ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट से धारावाहिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही विराम चिन्ह बा हाइपेन विराम चिन्ह हाइपेन विराम चिन्ह बहुत प्रकार अच्छे हाइपेन विराम चिन्ह हाइपेनटा कहीं व्यवहार कराए केउठी व्यवहार सॉरी केउठी व्यवहार कराए कौन सी अनुच्छेद शिरोनाम पर धाड़ी अधावा खंडिया रहीगले लेखा मध्य कौन सी अर्थ को स्पष्ट करने ना संबोधन पर पूर्व। तो देखंतु विराम चिन्ह हाइपेन को यूज करा जाउछि जो टाइम गोटे गोटे धाड़ी लिखुचंती एडी अधा रहीगला खंडिया होगा तो सेठी के आम हाइपेन चिन्ह देक तल को आउटे आम आरंभ कर धाड़ी तो ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर धाड़ी अधा बा खंडिया रहीगले सेठी आम हाइपेन चिन्ह व्यवहार करिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मौखिक धारा केउटी शिक्षार्थी सहायक हुए ना मौखिक धारा केउटी शिक्षार्थी सहायक हुए ना
ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତ ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୌଖିକ ଧାରାରେ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଆମର ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୌଖିକମାନେ ମୁଖରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଚାରିବ କିଛି ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଆଉ ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଜଣେ ପଚାରିବ, ଜଣେ ଆମର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିବ, ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଏଇଭଳି 10-15 ଥର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଚାରିବେ, ତ ଆମର ଭୟଟା ସେଠି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସେଇଠି ଭୟ ଦୂର। ଆମର ବାରମ୍ବାର ମୌଖିକ ଆମେ ଯଦି ଧାରା ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ, ଆଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ମୌଖିକମାନେ ମୁଖରୁ କହିବ, ସେ ଲେଖିଲେ ସିନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଠି ସେ କହୁଛି ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁଟା ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଆକାଶର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ, କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର, ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇକି କହିବା। ଆକାଶର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଆକାଶର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ପଚାରିବ ଆକାଶରେ ବିପରୀତ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ, ତା'ର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ବା ଆକାଶ ପାତାଳ, ପାତାଳ ତ କ'ଣ, ଏଇଠି କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ନା, ମନେ ରଖିଥିବେ କହିବା କଥା। କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବ କେଉଁ ରଙ୍ଗର, କଖାରୁ ଫୁଲ ଆମର କେଉଁ ରଙ୍ଗର, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର, ଏଥିରେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ, ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆଉ ପଣସ ଫଳ ଦୁଇଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର, ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝେଇଲେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ବୋଧାତ୍ମକ ମାନେ ବୁଝେଇକି କହିବା, ତ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନିରବ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଦଳଗତ ପଠନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ, ନିରବ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଦଳଗତ ପଠନ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି କେଉଁ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ସେ ପଚାରିଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିହିତ ଭାବଧାରା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ନିରବ ପଠନଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ନିରବ ପଠନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ନିରବ ପଠନ, ବନାନ ଖେଳ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ। ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କେଉଁଟା ନୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ନିରବ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା କୌଣସି ନାହିଁ, ବନାନ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା, ଅଭିଧାନ ମାନେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଆଉ ଦୃଷ୍ଟିଲିଖନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ନିରବ ପଠନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଏଇ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପେଡ଼ାବୋଧି ନେଇକି ଆସିବି କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ସେତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହୁନି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯାଉଛି, ତ ଆପଣ ନିହାତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଏଭଳି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ ବା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ହିଁ ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦରକାର, ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ଆଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍ ଦରକାର ଅଟେ। ତ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେଉଁଟା ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ହିଁ ଆମର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ ହିଁ ସିଲାବସ୍ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦରକାର ଅଟେ। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି,
ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରାପ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, କେଉଁଟା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା, ଏଇଟା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଆଉ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେଇବା, କେଉଁ ଘଟେଇବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ନ ଘଟିବା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ନ ଘଟିବା ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଭାବ, ଏକ ଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମି କୋଲନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେମି କୋଲନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ବହି ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଠନରେ ଆଗ୍ରହ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କେଉଁଟାକୁ, ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ହେଉଛି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ପାନ୍ତର ରହୁଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମେଳକ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ମେଳକ ମାନେ ଆମର ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମ୍ୟାଚିଂ ଟାଇପ୍ ହୋଇଗଲା। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆମର ଯେଉଁ MCQ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଗଲା, ଏକ ମାର୍କିଆ। ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର MCQ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମାନେ ଆମେ ଟିକିଏ ମାନେ 2-3 ଧାଡ଼ି ଆମେ ଲେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହୁଛି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଦୋଷ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ପାନ୍ତର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର 2 ମାର୍କ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯିଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ, ଯେକୌଣସି ଟିଚର୍ ହେଲେ ସେଥିରେ କାଟିପାରେ ନାହିଁ, 2 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଦେବ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଯଦି 1 ମାର୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ମିଳିବ, କାହାକୁ ଅନ୍ତର୍ପାନ୍ତର କରିପାରିବନି। 1 ଥିଲେ 1 ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି 1 ଥିଲେ 1 ମିଳିବ, 2 ଥିଲେ 2 ମିଳିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେମ୍, ଯଦି ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଅଛି 1 ଥିଲେ 1 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ କୌଣସି ବି ଟିଚର୍ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ପାନ୍ତର କରିପାରିବେନି। ଯଦି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଦେଇଥିବ, ଆମର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ତ ଜଣେ ଟିଚର୍ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ କରିବ, ଜଣକୁ 3 ରୁ 3 ଦେଇପାରିବ, ଜଣକୁ 3 ରୁ 2 ଅଧେ ଦେଇପାରିବ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 3 ରୁ ଅଧେ ଦେଇପାରିବ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 3 ରୁ 1 ମାର୍କ ଦେଇପାରିବ। ମାନେ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ବା ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଦୋଷ ରହିବ କେଉଁଥିରେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ପ୍ରାସ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଦୋଷ କେଉଁଥିରେ ରହିବ, ନା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିବ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲମ୍ବା ହେଉଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିବ ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲମ୍ବା ଥିବ ତାକୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିଲେ ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ କ'ଣ ହେବ, ନା ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ପ୍ରଶ୍ନର ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ଦକ୍ଷତା କେତେ ଅଛି, ଆମ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ସ୍କିଲ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସ୍କିଲ LSRW, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ, ତ ଚାରିଟା। ତ ଆମର ଏ ଚାରିଟାକୁ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତ ଶ୍ରବଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, କହିବା ବି ଏଇଟା ଆମର, ଏଇଟା କଥନ ଏଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବା ପଠନ ଏଇଟା ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲିଖନ ବା ଲେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କେମିତି ଦେବେ,
फास्ट एलएस आर डब्ल्यू चार आम स्किल फास्ट से जानु तापर व्यावहारिक व्याकरण को जीव तो आमर ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर व्यावहारिक व्याकरण आम प्राथमिक स्तर में ये जो व्यावहारिक व्याकरण पर गुरुत्व दि जाए ना ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नोक्त मध्य क्यों स्थान में विराम चिह्न कमार व्यवहार कराए कमा चिन्ह आमर कौट व्यवहार कर समजातीय शब्द एक बा पद एक रु अधिक से बोलते पार्थक्य दर्शापी ना वाक्य समाप्त हेले ना प्रश्न गुड़िक वाक्य शेष जौगिक वाक्य दुटी वाक्य को जोड़ापी तो देखो विराम चिन्ह कौट दि जाऊँगी ना समजातीय शब्द बा पद एक रु अधिक से मध्य पार्थक्य दर्शापी आम कमा चिन्ह दि जाए समजातीय शब्द बा पद एक रु अधिक से मध्य पार्थक्य दर्शापी आम कमा चिन्ह दि जाए ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही असंपृक्त शब्द को बाछी पृथक कर यह कि प्रकार प्रश्न वर्गीकरण सत्यासत्य उत्तर मनोनयनमूलक ना मेलक तो देखो असंपृक्त शब्द को बाछी पृथक करवा यह कौन होमर एटा वर्गीकरण में जाटेगोरी वाइज कैटेगोरी वाइज कर जोड़ा असंपृक्त आम अलग करवा अलग कर रखा तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी गोटे कविता मनरु लिखा यह कि प्रकार लिखन जदि गोटे कविता को गोटे शिक्षार्थी तार निज मन किसी लिखुच तार माइंड खर्च क्रिएट कर लिखुच तो यह कौन हम क्रिएटिविट सृजनात्मक लिखन हम सृजनात्मक लिखन हम क्रिएटिव राइटिंग हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रही समन्वित पाठ्यपुस्तक क्यों कार्यटी न थाए समन्वित पाठ्यपुस्तक मान गोटे सबकि रोथ गोटे आम भाषा थी गणित थी परेश सब थी समन्वित पाठ्यपुस्तक कौ कार्य न थाए प्रारंभिक कार्यक्रम अभ्यास कार्य मूल्यायन कार्यक्रम मुखस्थीकरण कार्यक्रम देखु सब देखिए मुखस्थीकरण थी मानने से आराम से काटिदेवे कहीं यहाँ हूँ आम नेगेटिव जिनस मुखस्थीकरण घोषा विद्या युवा हूँ नेगेटिव जिनस तो मुखस्थीकरण कार्यक्रम के पाठ्यक्रम समन्वित पाठ्यपुस्तक रही ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मूल्यायन दुर्बल पिला चिह्नट करने शिक्षार्थी कौन करेंगे आमर मूल्यायन करेंगे कौन डायग्नोस्टिक इवालुएसन जहाँ को आम ओडिया कहजे निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक इवालुएसन निदानात्मक परीक्षण आम करवा कलापर पाटार कौथे तार विक् रही है कौन से दुर्बल अच्छे से जानापुर कौन करेंगे ना मनकर धरनी आम गोटे निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट कले निदानात्मक परीक्षण कले परीक्षण कलापर जान लें पाटार हिस्ट्री दुर्बल अच्छे मैथ्रे से दुर्बल अच्छे दुर्बल अच्छे जान लें तर कौन करेंगे से पाटा कौ जो टपिक विक् रही आम केमती भलसे बुझे कि रिकवर करने आम कौन करवा प्रतिकारमूलक व्यवस्था करेंगे प्रतिकारमूलक जहाँ कहुए आम इंग्लीश रेमेडियल टीचिंग ताकु देबा जहाँद्वारा तार जो दुर्बलता रही दोष दुर्बल रही दूर करपरिया ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर प्रतिकारमूलक व्यवस्था करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पाठ्य विषय वस्तु को बुझा निम्ते क्योंटी सहायक पाठ्य विषय वस्तु को बुझापी कौटा आवश्यक बोली से पचार सरब पठन नीरव पठन द्रुत पठन ना सामूहिक पठन देखु पाठ्य विषय वस्तु को बुझापी आमर नीरव पठन निहती आवश्यक नीरव पठन निहती आवश्यक अटे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर नीरव पठन बा साइलेंट रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्योंटी व्यावहारिक व्याकरण लक्षण प्रयोगात्मक आनंददायक विश्लेषणात्मक ना गुणात्मक व्यावहारिक व्याकरण लक्षण हूँ प्रयोगात्मक ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही समन्वित पाठ्यपुस्तक को नुआ करी पाठ आरंभ करता पिला माने पसंद करती कहीं आमर जो समन्वित पाठ्यपुस्तक रही को जो माने स्कूल को नुआ आसुच्च पिला माने से माने कहीं पसंद करते चार ऑप्शन दे गोटे बही होइथाए घरे पढ़ा परिस्थित और विद्यालय परिस्थिति शिक्षण परिस्थिति समान रहे यह मागणार मिले ना यहाँ जो काम कमी जाए देखु समन्वित पाठ्यपुस्तक को नुआ करी पाठ आरंभ कर पाने पसंद करती कहीं कौन होमर घरे पढ़ुवा परिस्थिति सहित विद्यालय परिस्थिति विद्यालय शिक्षण परिस्थिति समान रहे ऑप्शन नंबर बी हम आम सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही निम्नस्थ के उत्तम हस्ताक्षर लिखन एक लक्षण अटे
या भितर कोटा गोटे उत्तम हस्ताक्षर लिखनर एक लक्षण अटे। धाड़ी गुड़ी सीधा कर लिखा लिखनर गति की क्रमशः वृद्धि करवा अक्षर गुड़िक निर्भुल कर लिखा उपरुक्त समस्त। देखंतु उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण होची धाड़ी गुड़ी सीधा कर लिखा आमर शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखा ता सहित लिखन गति आस्ते आस्ते धीरे धीरे वृद्धि करवा आ अक्षर गुड़ी निर्भुल कर लिखा तो यह सब गुड़ाक दरकार पड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर उपरुक्त समस्त। ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही शिक्षार्थी निजर मनर भाव को उपयुक्त भाव प्रकाश कर परीक्षा करने के प्रकार प्रश्न पचार जाए थाए। शिक्षार्थी निजर मनर भाव को उपयुक्त भाव प्रकाश कर परीक्षा करने को प्रश्न पचार जाए निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना दीर्घ उत्तरमूलक ना क्षुद्र उत्तरमूलक ना अभिव्यक्तिमूलक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्तिमूलक जहाँ को इंग्लीश कह जाए एक्सप्रेशन बेस्ड जो कौन अभिव्यक्तिमूलक। ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपाई नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे। वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय कौटा नुहे से पचार उच्च पठन बनान खेल श्रुत लिखन अभिधान व्यवहार। देखु वर्णाशुद्धि निराकरण आमर बनान खेल आवश्यक अटे श्रुत लिखन द्वारा हो पार आउ दृष्टि लिखन द्वारा हो पार एवं अभिधान व्यवहार द्वारा हो पार कि उच्च पठन नीरव पठन सरव पठन द्रुत पठन एगुड़ाक आम वर्णाशुद्धि निराकरण आवश्यक नुहे बाद्वारा आमर हो पार यही अप्सन तीन टाइम देखो आप देखते एक्जाम आम प्रिवियस एक्जाम ये तीन टाइम अप्सन सेम रोच ये उच्च पठन दे थे आउ थे एक्जाम आउ गोटे वर्ष पचार नीरव पठन दे पचार द्रुत पठन दे सरव पठन दे मैंने यही क्वेश्चन टाक से विभिन्न वर्ष 2012 2022 दस वर्ष एग्जाम हो दस वर्ष भितर से यही गोटे क्वेश्चन को खाली यही जो उच्च पठन जगह नीरव पठन गोटे वर्ष गोटे द्रुत पठन गोटे सरव पठन एम करके पचारूँ तो मन रखिए उच्च पठन नीरव पठन द्रुत पठन आउ सरव पठन एगुड़ाक वर्णाशुद्धि निराकरण उपाय नुहे। ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास यही मातृभाषा माध्यम आम संभवपर हो पार ये उक्तिटा कह मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास यही मातृभाषा माध्यम ही संभवपर यहाँ कही किए रायबर्न। ऑप्शन बी हूँ करेक्ट आंसर रायबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी बहुभाषी समस्या दूर कर एक उपाय उपयुक्त पदक्षेप अटे। द्विभाषी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति आंचलिकता पर गुरुत्व घर भाषा पर गुरुत्व ना उपयुक्त समस्त। देखते बहुभाषी समस्या दूर करने द्विभाषी पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति में आम गुरुत्व देवा आंचलिकता पर गुरुत्व देवा आम अंचल जो भाषा कहा जाता गुरुत्व देवा घर भाषा पर गुरुत्व देवा सबूत आम गुरुत्व देवा। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउंटी बा केउ मूल्यायन को सामग्रिक मूल्यायन बोली कहुए सामग्रिक मूल्यायन क्या कहुए मौखिक परीक्षण को ना वार्षिक परीक्षण ना षाणमासिक ना गठनमूलक। तो देखु आप कौन हम करेक्ट आंसर आप कौन हम देखु सामग्रिक मूल्यायन क्या कहुए सामग्रिक मूल्यायन कहुए वार्षिक परीक्षण को कहुए वार्षिक परीक्षण समेटिव आमर जो इवैल्युएशन को कहुए सामग्रिक मूल्यायन। ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों मूल्यायन को सामग्रिक मूल्यायन कहुए यहाँ आम दुई थर रिपीट बोधे तो किसी टेंशन नहीं 47 क्वेश्चन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य केउंटी शिशुपाई आनंददायक तात्विक पठन जहाँ इनसे कौन कहुए इंटेनसीव रिड कहुए व्यापक पठन जहाँ कहुए आम एक्सटेनसीव रिड कहुए तो तात्विक पठन आमर व्यापक पठन ये भितर कौटा आनंददायक शिशुपाई आनंददायक हूँ व्यापक पठन। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर व्यापक पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप आज लास्ट क्वेश्चन रही 45 नंबर क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य केउंटी नुहे। प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य केउंटा नुहे मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास देश उत्तम नागरिक गठन करने जातीय सहमति और आंतर्जातिक सद्भावना विकास केवल बही पढ़वे दक्षता अर्जन करने। देखो प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य हूँ मानविक गुणावली और मूल्यबोधर विकास देश उत्तम नागरिक गठन करवा जातीय सहमति और आंतर्जातिक सद्भावना सृष्टि करिबा किंतु केवल बही उपरे दक्षता बही पढ़वार दक्षता अर्जन करवा यहाँ प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य नुहे। तो आम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कौन आम ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये आपने टोटल 45 क्वेश्चन आप आउट ऑफ 45 के स्कोर रखिंट कमेंट बॉक्स में निहत भाव जन ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। कमेंट बॉक्स में निहत जन जदि भिड भल लगे तो निहत भाव आप
ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ ନିହାତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ ତା ସହିତ ଅଧିକରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।